अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच को गति देने के लिए सीएम गहलोत ने मेडिकल कॉलेज को रियल टाइम पीसीआर मशीन उपलब्ध करवाई है, जिससे इन मरीजों की रिपोर्ट के लिए सैंपल जयपुर नहीं भेजने पड़ेंगे। इस मशीन से एक दिन में 80 से अधिक सैंपल की जांच संभव हो पाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पुणे से स्वीकृति मिलने के साथ ही कुछ दिनों तक जयपुर और यहां के सैंपल जांच रिपोर्ट को देखा जाएगा। दोनों में भिन्नता नहीं पाए जाने पर यहाँ की मशीन पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई दूसरी मशीन भी आने पर रोजाना 200 से अधिक मरीजों की जाँच यहाँ पर होने लगेगी। बारे में जानकारी है कि राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब एपिक सेंटर शुरू हुआ और शुरू में जब केस बढ़ने लगे तो हमारे ऑनरेबल सीएम फर्स्ट डे से ही डॉक्टर्स की टीम और एडमिनिस्ट्रेशन के टच में हैं। उन्होंने पहले ही दिन से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे N95 हैं, VTM मीडियाज हैं, प्रोटेक्शन किट्स हैं, वो हमको एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल कराए और हमारी स्ट्रेटेजी को उन्होंने सपोर्ट किया और खुद ने भी इस चीज़ पर स्ट्रेस किया कि यहाँ मैसिव लेवल पे, मास लेवल पे सैम्पलिंग हो, सारे कॉन्टैक्ट्स इस हॉस्पिटल के ट्रेस किया जाए, इंडोर एडमिशंस को ट्रेस किया जाए, डॉक्टर्स के द्वारा जो पेशेंट देखेंगे उनको ट्रैक किया जाए, उनकी सैम्पलिंग हो। देन ही हिमसेल्फ इंसिस्टेड, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार उन्होंने अपने वहाँ पे भी कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की भी सैम्पलिंग की जाए और उस मॉडल पे भी हमने काम किया। और साथ में जब उन्होंने देखा कि यहाँ के सैंपल जो हैं वो जयपुर जा रहे हैं और काफ़ी टाइम इसमें लग रहा है और भीलवाड़ा एक एपिक सेंटर बन गया है, तो उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया हमको स्वीकृत किया और दो मशीनें पीसीआर की हमें जांच करने के लिए उपलब्ध।